सरकार सीधे तौर पर कहती है कि अगर आप में काबिलियत होगी तो जॉब मिलेगी, आप में आपको जॉब नहीं मिल पा रही है तो मतलब काबिलियत नहीं है। काबिलियत नहीं तो फिर डिग्री कैसे मिल जा रही है हमें? इनकी इनकी कमी है ना, इनको संस्था बंद कर देनी चाहिए जब डिग्री दे रही है फालतू का। तो सब कोई चाय का स्टॉल लगा लेगा, फिर फैक्ट्री में जॉब कौन करेगा, फिर देश कैसे चलेगा? सब चाय बेचेंगे तो फिर प्रधानमंत्री की जरूरत ही क्या है? बेरोजगारी तो एक ऐसा विषय है जो कि एक भीषण समस्या है। शोषण कर रहे हैं, शोषण करते हैं जी। यहाँ पे हमें 16,000 सैलरी मिलनी चाहिए, वहाँ पे 8,000-9,000 रुपये देते हैं। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री से जाके पूछो, उन्होंने भी 2 करोड़ के वादे किए थे, उन्होंने किए क्या? अब ये तो राजनीतिक विषय है, इसमें मैं क्या बोलूँ। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज़। अभी हम मौजूद हैं इन दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जहां पर एक मोर्चा चल अभियान चल रहा है, संयुक्त युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन है, जहां पर तमाम लोग मौजूद हैं और ये साफ तौर पर बेरोजगारी को लेकर एक चलाया गया आंदोलन है। आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय जो युवा मोर्चा है, ये खासकर बेरोजगारी को लेकर जो नौजवान हैं वो लोग की जो रोजगार पड़े हैं उनको लेकर एक आंदोलन चलाता है, उसी को लेकर यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है इस पर। सर, क्या कुछ कहना है सर, बेरोजगारी को लेकर आप मोर्चा चला रहे हैं, प्रधानमंत्री तो बेरोजगारी का नाम सुनकर टॉपिक बदल देते हैं। बेरोजगारी तो एक ऐसा विषय है जो कि एक भीषण समस्या है हर प्रदेश में, और सिर्फ केंद्र में ही नहीं, मैं समझता हूँ हर स्टेट में यह हालत है। और आप देखिए, राजस्थान में जैसे एक एक्ट लाया गया कि एग्जामिनेशन में पेपर लीक्स नहीं हो, और उसके बाद भी पेपर लीक्स हो रहे हैं। तो इस पेपर लीक के चलते, चाहे वो शिक्षक की भर्ती हो, पटवारी की भर्ती हो, या छात्रों की भर्ती हो, एक गंभीर समस्या। और मैं समझता हूँ कि अगले चुनाव में ये मुद्दा संयुक्त मोर्चा ये उठाएगा कि कौन कौन सी पार्टी इसके बारे में वक्तव्य देती हैं और ये कहती हैं कि इनके बारे में क्या वो ठोस कार्य करेंगे। पेपर लीक का बात कर रहे हैं, पेपर लीक के लिए जब छात्र प्रदर्शन करते हैं तो उन पर कई सारे गंभीर आरोप लगाकर उन्हीं को ही जेल में बंद कर दिया जाता है। अब ये शासन का तंत्र है कि जहां समस्या नहीं सुलझ सकती है और उसे दूसरी तरफ मोड़कर उन्हीं छात्रों को जो अपनी मांग कर रहे हैं उनको अंदर डाल दें, ये एक दुर्भाग्य का विषय है। सवाल ये है कि जैसे आप देखिए कि बिहार में भी कितने 10 लाख भर्ती के बारे में घोषणा की गई थी, लेकिन अभी भी उसका इंतज़ार हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि वही नहीं बल्कि हर प्रदेश में ये समस्या है, और इसीलिए और कोई तरीका है नहीं। संयुक्त युवा मोर्चा जो है इसीलिए इस विषय को उठा रहा है कि पार्टीज़ जो हैं अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इसको डालें और जिम्मेवारी लें, क्योंकि अभी तक नहीं लग रहा है कि कोई इसकी जिम्मेवारी ले रहा है। तेजस्वी यादव जो है वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे बेरोजगारी पर सवाल पूछते हुए वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री से जाके पूछो, उन्होंने भी 2 करोड़ के वादे किए थे, उन्होंने किए क्या? अब ये तो राजनीतिक विषय है, इसमें मैं क्या बोलूँ। मैंने तो आपको बताया कि हर प्रदेश में ये भीषण समस्या है और हम ये चाहते हैं कि ये हर पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में आ जाए, ताकि अपनी जिम्मेवारी उन्हें प्रदर्शित करनी पड़े। और लोगों मैनिफेस्टो में जब इलेक्शन आता है, मैनिफेस्टो में देते हैं, प्रधानमंत्री ने भी वादे किए कि 2 करोड़ के रोज़गार देंगे, 2 करोड़ रोज़गार देंगे, तो इस हिसाब से अगर 9 साल में 18 करोड़ हो जाने चाहिए, लेकिन हुए नहीं है, उल्टा लोगों की नौकरियां गई हैं। जब भी क्वेश्चन किया जाता है उनसे बेरोजगारी को लेकर तो वो मुद्दा ही बदल देते हैं। तो क्या लगता है इसकी आपके जो आंदोलन है उसको कितना असर होगा, वो सुन पाएंगे इस आपके आंदोलन को? देखिए, आंदोलन का क्या असर होता है या अंत में क्या होगा ये तो मालूम नहीं, लेकिन ये तो अपना फ़र्ज़ है कि समाज के प्रति, देश के प्रति कुछ तो अपना कर्तव्य निभाएं। और इसलिए हम इस बात को कर रहे हैं क्योंकि आज के जो बेरोज़गार युवा हैं वो हतप्रभ होते जा रहे हैं, और इसलिए और कोई तरीका है नहीं कि ये इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को जागृत करना, बल्कि संयुक्त युवा मोर्चा हर प्रदेश में जा रहा है। पटना में कॉन्फ्रेंस हुआ, गुजरात में हुआ, जयपुर में हुआ, और इन सब जगह इस बात को उठा रहे हैं। तो आशा हम करते हैं एक उम्मीद लेकर चल रहे हैं। उम्मीद लेकर चल रहे हैं।
जी, जैसे कि आपने साफ तौर पर सुना कि एक उम्मीद लेकर चल रहे हैं कि राजनीति तो बराबर चलती है रोजगार और सारी चीज़ों को लेकर, लेकिन एक उम्मीद लेकर चल रहे हैं आप, युवा हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे रोजगार के बारे में? जी, रोजगार के लिए, रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है, रोजगार कहीं मिल नहीं रहा। किसी भी कंपनी में जाओ, काम करो, वहाँ पे अपनी मनमौजी काम कराते हैं और ग्रेड भी पूरा नहीं देते हैं। मजदूर वर्ग में शोषण कर रहे हैं, शोषण करते हैं जी। यहाँ पे हमें 16,000 सैलरी मिलनी चाहिए, वहाँ पे 8,000-9,000 रुपये देते हैं। ओखला फेस वन इंडस्ट्रियल एरिया पूरा खाली है। क्यों खाली है, क्या वहाँ पे? बस रेंट की आपको बोर्ड दिखेंगे, कहीं पे भी रोजगार का बोर्ड नहीं दिखेगा, क्योंकि वहाँ से कंपनियाँ चली गई है, बहुत से नेता वहाँ उगाही करते रहते हैं। आप क्या काम करते हैं? मैं वहाँ पे एक्सपोर्ट में हेल्पडी का काम करता हूँ। आप मतलब आपके मन अनुसार, इच्छा अनुसार जो करना चाहते थे वो जॉब मिला आपको? उस लेवल की जो सैलरी आप एक्सपेक्ट करते थे वो मिला? नहीं मिला, सैलरी नहीं मिला और जॉब भी उस लायक नहीं मिले। वहाँ पे जॉब अपने लायक नहीं मिलते, क्योंकि वहाँ पे मजदूरी कराते रहते हैं और अपनी मनमौजी कराते हैं। जो 8 घंटे टाइम होना चाहिए वहाँ 8 घंटे नहीं, 12 घंटे ड्यूटी कराते हैं। उसके बाद संडे भी बुलाते हैं, नाइट भी लगवाते हैं, ज़बरदस्ती लगवाते हैं। लगाओ नहीं तो काम छोड़ दो। तो मैंने काम छोड़ दिया हूँ, अभी खाली घूम रहा हूँ। अभी आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे थे, क्या जॉब चाहिए था आपको? अभी तो मैं ऐसे PhD का तैयारी कर रहा हूँ, जिसमें मैंने MS सेकेंड ईयर का एग्जाम दे दिया हूँ। अभी रिजल्ट आने है, एक रिजल्ट आने के बाद मैं PhD की तैयारी करूँगा। किस चीज़ के लिए, मतलब क्या जॉब चाहिए आपको, क्या जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें कौन सी जॉब की तलाश में हैं? मैं तो ऐसे प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हूँ। हाँ। ऐसे जॉब के लिए मतलब जैसे कंपनी में जाए तो कहीं एक ऑफिशियल जॉब मिलनी चाहिए, अपने अनुसार काम करने चाहिए, 8 घंटे होने चाहिए। सरकार सीधे तौर पर कहती है कि अगर आप में काबिलियत होगी तो जॉब मिलेगी, आप में आपको जॉब नहीं मिल पा रही है तो मतलब काबिलियत नहीं है। काबिलियत नहीं तो फिर डिग्री कैसे मिल जा रही है हमें? इनकी इनकी कमी है ना, इनको संस्था बंद कर देनी चाहिए जब डिग्री दे रही है फालतू का। तो फालतू का कोई डिग्री तो देगा ही नहीं, काम करने के पढ़ाई के ऊपर ही डिग्री देती है। हमारा एग्जाम देखते हैं, चेक करते हैं कॉपी, तभी तो नंबर देते हैं, ऐसे थोड़ी नंबर दे देते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि नौकरी लेने के भरोसे मत रहो, नौकरी देने वाले बनो, तुम रोजगार खुद के रोजगार क्रिएट करो और अपनी जो बिजनेस है पकौड़े तलो चाय बेचो और नौकरी दो, तुम बिजनेस करो। इस देश में दो तरह के बिजनेस चल रहे हैं। एक पहला बिजनेस है मजदूर, मजदूर वर्ग ही रहेगा और अमीर अमीर वर्ग होगा। अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, गरीबों को सताया जाता है। अगर फैक्ट्री में हकीकत देखा जाए, हर तरह से महिलाओं पर ज़्यादा शोषण किया जाता है, उल्टा सीधा कमेंट भी किए जाते हैं और उनसे काम भी कराया जाता है। वो काम नहीं करते तो उनको निकालने की धमकी देते हैं और कंपनी से निकाल देते हैं, फिर वो धक्के खाते 15-20 दिन वो मजबूरी में काम करते ही करते हैं। इसीलिए तो बोला जा रहा है कि खुद का स्टार्टअप कर लो। खुद का स्टार्टअप कैसे कर लेंगे, उसके लिए तो पैसे चाहिए ना, मनी चाहिए, मनी है नहीं किसी के पास, कैसे कर लेंगे बिजनेस? प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक ठेले पे चाय का स्टॉल लगाने में कौन सा करोड़ 2 करोड़ लगेगा, उसमें अपना स्टार्टअप तो हो ही जाएगा। सब कोई चाय का स्टॉल लगा लेगा, फिर फैक्ट्री में जॉब कौन करेगा, फिर देश कैसे चलेगा? सब चाय बेचेंगे तो फिर प्रधानमंत्री की जरूरत ही क्या है, वो भी चाय बेच लेते साथ में। चाय नहीं बेच सकते ना, हर किसी का अपना अपना करियर होता है। कोई ट्रेन का ड्राइवर तो ट्रेन चलाना जानता है, कोई मीडिया का काम करता है तो मीडिया के लिए जानता है, जो लीडर वो लीडर जो जिस गुण में पारंगत है वो वही काम कर सकता है, आपके कहने का मतलब? जी, वो वही काम कर सकता है जिसको जो अनुभव हो। हाँ। लेकिन उसमें उसको रोजगार मिलना चाहिए, ऐसा तो मिल नहीं रहा है। कहीं पर भी आप चले जाइए, बेरोजगारी भत्ता बहुत ज़्यादा हो गई है। अब बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिलता है और न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता है। जो हमें 4 घंटे हम ओवर टाइम करते हैं, 2 घंटे ओवर टाइम करते हैं, तो उसको डबल ग्रेड मिलनी चाहिए, यानी 2 घंटे का 4 घंटे पैसे मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। अगर हम संडे को जॉब करते हैं तो हमें 2 दिन की दिहाड़ी नहीं, हमें 3 दिन की दिहाड़ी मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिलते। साफ तौर पर आप सुन पा रहे हैं, ये एक युवा का कहना है कि शोषण हो रहा है रोजगार के नाम पर। जहां 8 घंटे का शिफ्ट होता है वहां पर 12 घंटे काम करा के उनको उनकी जो मजदूरी है वो भी नहीं दिया जाता। इनफैक्ट जो सरकार कहती है कि चाय खोल लो, पकौड़े बेच लो, तो कैसे कर ले? जो जिसको जो गुण आता है, जिसकी जिसने तैयारी की है, जो सीखा है, वो वही तो करेगा। कैसे कोई भी काम हर कोई नहीं कर सकता। तो देश में जो बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, जनहित आवाज़।